size 2.1 और 2.2 आपको मैंने कराई थी रिसेंटली। अब हम 2.3 करते हैं, इसके अंदर देखो क्या है आपका, इसके अंदर आ रहा है मेन आपका डिविजनल यूनिट। जो डिविजन एल्गोरिथम होती है क्या होती है आपकी, देखो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ नंबर्स के अंदर, उसके बाद हम पॉलीनोमियल्स के अंदर चलते हैं। देखो हम डिवाइड करते हैं एक नंबर दूसरे नंबर से, तो जो यहाँ पे होता है इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे होता है रिमाइंडर। तो इस तरीके से आपको डिविजन एल्गोरिथम होती है, क्या होती है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट प्लस
या इसे क्या होते हैं इक्वल, इसी को हम डिविजन एलिमेंट बोलते हैं। यही नंबर पर अप्लाई होता है, यही आपको पॉलीनोमियल्स के अंदर अप्लाई होता है। ठीक है, यहां तक समझ आया? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इससे नेक्स्ट है व्यवहार क्या है, रिमाइंडर थ्योरम।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है आपसे, चेक करना है 3x plus 7 is a factor of 3x3 plus 7x। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका 3x3 plus 7। जो ये है आपको चेक करना है कि ये जो आपका पॉलीनोमियल है ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर कब होता है, कोई जिसको एक नंबर है उसका एक दूसरा नंबर फैक्टर कब होगा, डिवाइड करने क्या आना चाहिए, जीरो। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर फाइंड करते हैं। इस केस में आपका पी एक्स क्या दिया हुआ है, 3x2 3x3 plus 7x, ये दिया हुआ है आपको। और जी एक्स क्या दिया हुआ है, 3x plus 7। तो मैंने क्या बताया, जी एक्स को आपको जी एक्स का फाइंड करना है, जीरो। जी एक्स का जीरो फाइंड करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड करोगे, जीएस इक्वल टू जीरो, 3x plus 7 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स के लिए क्या है, यहाँ से 7 है 3। इसको आप इसे प्रूफ कर दीजिए, पी माइनस 7 by 3, 3 into -7/3 की पावर 3 प्लस 7 -7/3। तो यहाँ से आपके लिए क्या देंगे, 49.3। यहाँ से आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आपका बन जाएगा 2, 2 का क्या हो जाएगा आपका 9। तो इस केस में आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपके जीरो के लिए इन ऑर्डर टू आपको ये रिमाइंडर आपका जीरो नहीं है, रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आया, ये क्या होगा, आंसर क्या होगा आपका, 3x plus 7 is not a factor of 3x3 plus 7x। अगर आपका रिमाइंडर क्या है, 0 आ जाता है, रिमाइंडर अगर आपका 0 आ जाता है तो इसका फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो आप ये क्या किया, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो और चेक कर सकते हो इसका ये फैक्टर है, फैक्टर कब होगा, तो रिमाइंडर जीरो आएगा, रिमाइंडर आप फाइंड कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज 2.3 थी आपकी, इसमें ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फैक्टर थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए आपको रिवीजन करना है इसका।